हेलो बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और बोधि शिक्षा चैनल की वीडियोस को देखते भी होंगे और उनसे कुछ सीखते भी होंगे और घर पर बैठकर प्रैक्टिस भी करते होंगे। आज जो है हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ पर फोर तरह के सीजन होते हैं, ऋतुएं होती हैं, जैसे रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। तो आज जो है हम पढ़ेंगे रेनी सीजन, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्षा ऋतु, मानसून भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बादल जो होते हैं वो पानी से भर जाते हैं और वो बहुत तेज वर्षा करते हैं, जिससे हमारी पूरी धरती में पानी आ जाता है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है और प्रकृति जो होती है सब खुश हो जाते हैं। क्योंकि सूरज से पहले जो मौसम होता है वो गर्मी का होता है और गर्मी के मौसम से राहत के लिए ही भगवान ने, प्रकृति ने ये रेनी सीजन बनाया है। तो इस सीजन में क्या होता है, जब बारिश होती है पंछी भी खुश होते हैं, वो भी पानी के अंदर खेलते हैं, नहाते हैं। तो बच्चे लोग तो रेनकोट यूज करते हैं, बड़े भी रेनकोट यूज करते हैं इस रेनी सीजन में, और कुछ बच्चे तो अम्ब्रेला भी इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है ना, इसी रेनी सीजन में हमारे जो प्रकृति में, आप स्काई में देखोगे तो आसमान में देखोगे तो रेनबो बन जाता है, जो देखने में इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है, कुछ क्या कहें आपको। और रेनी सीजन में ही बच्चे क्या करते हैं, वो पेपर लेकर कागज की बोट बनाते हैं, नाव बनाते हैं, और जो पुडल्स होते हैं, मतलब जहाँ गड्ढे में पानी इकट्ठा हुआ होता है, उसमें नाव बनाकर अपनी नाव चलाते हैं और खेलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा ठंडक देता है, राहत देता है गर्मी से, तो लोग जो है इसमें गर्म चाय पीते हैं, गर्म कॉफी पीते हैं, कुछ लोग तो गर्म गर्म पकौड़े भी खाते हैं, और कुछ लोग तो भुट्टे को, सी फॉर कॉर्न जिसको हम छल्ली भी कहते हैं, उसको आग में भूनकर गरम गरम खाते हैं। और जैसे कि अभी भी हमारा रेनी सीजन चल रहा है, तो आपको मालूम है ना, इसी रेनी सीजन में कुछ त्योहार भी होते हैं जो हम सब लोग बहुत खुशी से और मिलजुल कर मनाते हैं। जैसे कि इस रेनी सीजन में ही हमारा रक्षाबंधन का त्योहार होता है, जिसमें जो है बहन जो है अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। और इसी इसी रेनी सीजन में ही श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होता है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इसी सीजन में हम जो है अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और स्कूलों में इस दिन बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को मिठाइयाँ दी जाती हैं। आई होप आप सब घर पर इस रेनी सीजन को घर पर इंजॉय कर रहे होंगे। बाय।